कि धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। जो मातृशक्ति यहां उपस्थित है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, जो नहीं है उन तक मेरी ये बात, मेरा निवेदन पहुंचाइएगा, मैं अनुरोध करता हूं, धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। मायावी मृग के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना। जो नफरत के लायक है तुम उससे प्यार नहीं करना। वेश बदल कर बन जाते ये मिश्रा यादव शिंदे हैं। प्रेमी जिनको समझ रही हो हबसी और दरिंदे हैं। बहनों तुम पर बाबर खिलजी का उन्माद नहीं होगा। पद्मा पति से सीखोगी तो लब्ध याद नहीं होगा। पद्मा आपकी तालियां कमजोर है, फिर अनुरोध करता हूं और एक महत्वपूर्ण गीत से जोड़ता हूं, एक नई कविता से जोड़ता हूं, मेरी पहचान की कविता। मैं शब्दों के माध्यम से आपको अपने भारतवर्ष की यात्रा कराना चाहता हूं। अच्छी कविता पर आपका अच्छा मन मांगता हूं। सभी प्रबुद्ध जन उपस्थित है, बिना किसी भूमिका के मैं पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे। जसने जबा का जो उद्देश्य है, प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने में जिस तरह से सांस्कृतिक और साहित्यिक अनुष्ठान किए जाते हैं, मैं उस उद्देश्य को पढ़ने की कोशिश करता हूं। आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे। नाना से लेकर नानी तक, दादी की आना कानी तक, माँ की ममता के आंचल तक, काले टीके से काजल तक, ब्रज में माखन की चोरी तक, माँ की गोदी में लोरी तक, काना के मुरली की धुन तक, पायल की रुंझुन रुंझुन तक, दिवाली से उस होली तक, कोयल की मीठी बोली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर की उठती लहरों तक, गाँवों से लेकर शहरों तक, अमृत से गंगा के जल तक, झरनों की मीठी हलचल तक, सरसों के पीले फूलों तक, पीपल पर झूलों तक, मेलों के उन गुब्बारों तक, घर के आंगन चौबारों तक, खेतों से ले खलियानों तक, आंगन वाली दालानों तक, सब मजदूर किसानों तक, भारत के वीर जवानों तक, मंदिर से मस्जिद के दर तक, गुरुद्वारे से गिरजा घर तक, ध्यान प्रार्थना और वजू में आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे। आओ अपना आपकी कमजोर तालियों को प्रणाम करता हूं और अगला एक विशेष बंद जश्न जबां की पूरी टीम को समर्पित करता हूं। मन प्रेम आशीर्वाद दीजिएगा। घूमे केसर की घाट, घूमे खुसरो की मुकरी तक, घूमे घूमे खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक, दोहे साकी के गागर तक, कबीरा की झीनी चादर तक, पद्मावत से अखनावट तक, चले जायसी चित्रावत तक, सूरदास की सगुण भक्ति तक, चले कृष्ण की प्रेम शक्ति तक, गिरधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, मानस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रईमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य खान तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सत्सैया तक, जय शंकर आकाश दीप तक, आंसू झरना प्रेम सीप तक, चले निराला की बेला तक, परिमल प्रीतम नौबेला तक, भग्रदूत से जिज्ञासा तक, सचिदानंद की परिभाषा तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, रश्मिरति से प्राण भंग तक, दिनकर जी की काव्य जंग तक, चले सुभद्रा की वाणी तक, घूमे झांसी की रानी तक, श्याम नारायण से चेतक तक, हल्दी घाटी गौरी वध तक, विंध्य हिमालय के सर्जन तक, शिव मंगल सिंह के गर्जन तक, प्रणय पत्रिका मधुबाला तक, बच्चन जी की मधुशाला तक, भारत जी से युग युगाधि तक, चले राम की जल समाधि तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंद बंद में बधी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में झूमे। आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे। आओ अपना भारत घूमे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इस कविता का अंतिम बंद मैं आपके बीच रखता हूं और दो अनुरोध करता हूं। पहला यह कि आप अपने मन में थोड़ी देर अपने देश का पावन मानचित्र रखिए और पूरे देश की यात्रा आप शब्दों के माध्यम से मेरे साथ कीजिए। और दूसरा अनुरोध यह है, यह कविता उस मीटर में है जहां आपकी तालियां ही मुझे उत्साह देंगी, मुझे सांस लेने का अवसर देंगी। मैं निवेदन करता हूं और पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। घूमे केसर की घाटी तक, इस कविता के अंतिम पंक्तियों में एक देश के बहुत ही महान व्यक्तित्व का नाम आएगा। आज वो आत्मा जहां कहीं भी जन्नत में आराम कर रही हो, उन्हें आप लोग सूचित कीजिएगा कि कवर्धा के लोग, भारत के लोग आज उन्हें कितना याद करते हैं, अभी भी उन्हें कितना मिस करते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। घूमे केसर की घाटी तक,
घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी गिड्डा लोहड़ी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, मौर्य वंश के राज मगध तक, फगुआ कजरी से मल्हार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदर वन तक, चले बांग्ला शांति मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उज्जयंत महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, खजुराहों की वास्तुकला तक, भीम भेट का चित्रकला तक, राजस्थानी परिपाटी तक, वीर भूमि हल्दी घाटी तक, सत्य अहिंसा की डगरी तक, पूज्य द्वारिका कृष्णपुरी तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा के दिव्य भाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचीन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, तन मन महके जिस खुशबू में, आओ उस भारत में घूमे इसकी पावन रज को चूमे, आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे। बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूं, और एक अंतिम दो मिनट की रचना पढ़कर मैं आपसे विदा लेता हूं। मित्रों, मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं आज अपने परिवार का एक शहीद के बेटे के मन के कुछ भाव आपके बीच रखना चाहता हूं। एक 5 वर्ष का बालक जिसके पिता देश की सीमा पर शहीद हो चुके हैं, वो अपने मन की बात, अपने मन के भाव मेरी कविता के माध्यम से अपने शहीद पिता से कहता है। इस कविता पर अब मैं आपका सिर्फ और आपकी संवेदनाएं आमंत्रित करता हूं। चेयरमैन साहब, मैं ये दावा करता हूं, यदि आपकी संवेदनाएं मुझे मिली तो मैं अब से थोड़ी देर बाद शब्दों के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करूंगा और आंसू बनकर आपकी आंखों से बाहर निकल आऊंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। 5 वर्ष का बालक जिसके पिता देश की सीमा पर शहीद हुए हैं, उसके मन की बात। पापा, मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। पापा, एक बच्चे के मन की क्या अभिलाषाएं होती हैं, वो किस तरह से उसका परित्याग करता है। पापा, मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। पापा, मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी गुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूँ चांद मुझे दो, कब कहता हूं चांद मुझे दो, या फिर तोड़ के तारा दे दो। पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, अपने बच्चे को तुम बहुत आभार। पापा, अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, उसकी 3 साल की एक छोटी बहन होती है। एक शहीद के परिवार की सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपका मन चाहता हूं। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है उसके दुख की थाह नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूँ, जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ। अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो। पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, अपने काव्य पाठ और इस कविता की अंतिम पंक्तियां रखता हूं। बढ़िया। यदि आपने कभी किसी शहीद के अंतिम दर्शन किए हैं, थोड़ी देर में वो दृश्य जीवंत करूंगा और आपकी आकाश भर तालियों के बीच विदा चाहूंगा। मैं पंक्तियां निवेदित। हाँ भाई, स्वागत है। पापा, उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे,
दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे, पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे, सीने पर अनगिन गोली थी, सीने पर अनगिन गोली थी, धड़के संग सिर साथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया ताया हाथ नहीं था, घर पर भारी भीड़ जमा थी, विदा कीजिएगा, घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत माँ के नारे थे, वापस फिर तुम कब आओगे, असंभव है, लेकिन शहीद का बेटा है तो अपने पिता से कहता है, वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो, पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो, पापा अपने बच्चों को तुम, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।